ने अकेले अपने दम पे एक फैक्ट्री खोल डाली है, और उन्होंने जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जो आत्मनिर्भर बनने का उनका जो सपना है, उस सपना को आजकल ग्रामीण क्षेत्र में ओम प्रकाश जी, नाम है आपका, ओम प्रकाश जी का कहना है कि अब बिल्कुल फ्री में आपको डिलीवरी मिलेगा, चाहे जहाँ कहीं भी अगर आप डीलरशिप लेना चाहती है, प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं। बहुत डिमांड है हमारे यहाँ घर पे, हम मोहल्ले के बच्चे आते हैं, मैं सिर्फ उनसे 4 रुपए लेता हूँ जी, फिक्स है मेरा, किसी से 1 रुपए जो भी होगा अच्छे रेट पे देंगे, अच्छा मार्जिन देंगे, बाजार से सस्ता देंगे। आप अपने सामने पैक करवा के लीजिए, जो भी क्वालिटी दे रहे हैं आप अपने आंखों से देख के सारा माल। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के, ये साकरा गाँव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाँव के लोग सिर्फ खेती करते हैं, गाँव के लोग सिर्फ किसानी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे युवक से हमारी मुलाकात हुई है, जहाँ पे भी हमारी टीम पहुंची हुई, आप देख सकते हैं बैनर में लिखा होगा संस्कार प्रोडक्ट। जी हाँ, अब संस्कार प्रोडक्ट में आपको बता दूं कि यहाँ पे एक युवक ने अकेले अपने दम पे एक फैक्ट्री खोल डाली है, और उन्होंने जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जो आत्मनिर्भर बनने का उनका जो सपना है, उस सपना को आजकल ग्रामीण क्षेत्र में ही लोग पूरा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारी टीम पहुंची हुई थी, वहां भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से वहां के लोगों ने, वहाँ के जो युवक थे, आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है वो लोग पूरा कर रहे हैं। और सपना इसलिए पूरा हो रहा है कि इन्होंने अकेले फैक्ट्री तो खोली है, लेकिन यहाँ पे लगभग 10 से 15 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, यानी बेरोजगारी के दौर में यह युवक रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि संस्कार प्रोडक्ट में, यानी आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जाकर दुकान पर कहते हैं कि 10 रुपये का तुरतुरे, यानी 10 रुपये का जो कुरकुरे मांगते हैं, यहाँ पे उसी कुरकुरे को यहाँ पे बनाया जाता है। यानी आजकल के जो बच्चे हैं उनके उन जिज्ञासा जगी रहती है कि घर से 10 रुपये ले, 5 रुपये ले और जाकर एक हम कुरकुरे खरीदे। तो हम आपको फाइनली हम उस फैक्ट्री के गेट पे हम पहुंच चुके हैं और अंदर जाएंगे और बातें करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। पूरा प्रोसेस हम दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनता है और कैसे इनके माइंड में कैसे है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इनका फैक्ट्री खोलने के पीछे क्या मकसद है। क्या नाम है आपका सर? ओम प्रकाश सिंह। अच्छा ओम प्रकाश जी, क्या नाम है ये आपका फैक्ट्री का? संस्कार फूड प्रोडक्ट। ओपनिंग कब हुआ था इसका? ओपनिंग 17 तारीख को किए, विश्वकर्मा पूजा का। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पे आपने जी का विधिवत सीता का उद्घाटन किया। कचौरी एक वो है, पोला है, इसको यहाँ पोफिया बोलते हैं। जो मशीनें दिखाई दे रही है कि काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें, आधुनिक जमाने की जो मशीनें देखी जा रही है, कहाँ से मशीन आपने मंगवाया था? ये सर मशीन में तो मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुआ। मशीन मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई भी हो भाई, सब जगह खरीदना, कल्याण मशीनरी से मशीनरी न खरीदना। मेरे को 3 फरवरी को मैंने पैसा दिया है और 17 सितंबर को मैं चालू कर पाया, जिसमें मेरा 2.5 लाख रुपए भी वो मार गई। उसके बाद किसी से भी आप खरीदिए कुरकुरा मशीन, पहले उसको कभी गलती से पैसा मत दीजिए, उसको उतने दीजिए 10-5 हजार रुपए। वो लोग पैसा मैंने फुल पेमेंट करके मैं गया 8-10 महीना, उनने पूरा मेरे को। हम ये जानेंगे कि अभी जो संस्कार जो प्रोडक्ट आपने जो नाम रखा हुआ है, नाम रखने का क्या तात्पर्य है? ये मेरे बेटे का नाम है संस्कार, बेटे का नाम जी। अच्छा, जिस प्रकार से गांव में जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में खासकर सोचते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ किसानी की जाती है, सिर्फ खेती बाड़ी की जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आजकल देखा जा रहा है, खासकर जो सुदूर इलाके हैं, वहाँ पे इस प्रकार के जो फैक्ट्री है, छोटे छोटे जो कारोबार है, बड़े पैमाने पे किए जा रहे हैं। क्या क्या माइंड में आपका है कि आपने कुरकुरे का फैक्ट्री आपने खोल डाली? सर मुझे पहले फ्लावर मिल खोलना था, फ्लावर जी, उसी के हिसाब से मैंने जगह तैयार किया था, लेकिन सरकार की तरफ से मेरे को कुछ मिला नहीं। मैं दौड़ा वगैरह, GST उसका भी कटा, रिटर्न भरा, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को कहीं सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैंने अपना जमीन वगैरह बेच के इस काम को फिर दिमाग में आया, देखा है इधर आसपास कहीं नहीं। फ्लावर मिल में प्रॉब्लम था कि आटे का रेट घटता बढ़ता है, इसका फिक्स रेट है, तो ये सब दिमाग में लेके आज हम लोग 7 आदमी 8 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे हैं, बातें करेंगे। छोटे छोटे बच्चों की इच्छा अभिलाषा रहती है कि घर से 5 रुपए ले और जाकर कुरकुरे दुकान पे खरीदे, तो कहीं ना कहीं आजकल डिमांड है कुरकुरे का। जी बहुत डिमांड है हमारे यहाँ घर पे, यहाँ मोहल्ले के बच्चे आते हैं, मैं सिर्फ उनसे 4 रुपए लेता हूँ जी, फिक्स है मेरा, किसी से 1 रुपए ज्यादा नहीं लेता मैं। क्या अगर कोई डीलरशिप वगैरह अगर लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस है आपके उसके? सर प्रोसेस ऑन द टेबल, जो भी होगा अच्छे रेट पे देंगे, अच्छा मार्जिन देंगे, बाजार से सस्ता देंगे। आप अपने सामने पैक करवा के लीजिए, जो भी क्वालिटी दे रहे हैं आप अपने आंखों से देखिए सारा माल। बिल्कुल, हम एड्रेस पे आएंगे। जहाँ पे छोटे बच्चे की बात आती है तो उनके पेरेंट जो होते हैं छोटे बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि वो जो खाना खा रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट हाइजेनिक है या नहीं है, केमिकल लेस है या नहीं है, तो इस पे क्या आपका केमिकल लगा? कोई अगर 1 पैसे का भी इसमें केमिकल साबित करे हम काम करना छोड़ देंगे जी। ये देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मतलब केमिकल लेस है और बिल्कुल हाइजेनिक है ये जी, प्योर हाइजेनिक मसाला मैं खुद तैयार करता हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ। इसमें आमचूर यूज करता हूँ, सौंफ यूज करता हूँ, थोड़ा सा दालचीनी यूज करता हूँ, थोड़ा हींग यूज करता हूँ,
और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, अब डीलरशिप की अभी आपने बात की, कहाँ कहाँ अभी आपका प्रोडक्ट जा रहा है? अभी सर महाराजगंज, सीवान और इधर थोड़ा बड़हड़िया वगैरह आसपास। दिल्ली वाली कोलकाता मुंबई लेना चाहता है कोई? सर उतना तो कोई लेगा भी नहीं, लेकिन अगर मांगता है तो उसके लिए भी देखेंगे। तो कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह भी लगता है? डिलीवरी चार्ज हमारी तरफ से फ्री है, कहीं भी मांगेगा डिलीवरी। पूरे इंडिया में कहीं मांगो। देखिये बहुत बड़ी बात है, उसी रेट पे। ओम प्रकाश जी नाम है ना आपका? ओम प्रकाश जी का कहना है कि अब बिल्कुल फ्री में आपको डिलीवरी मिलेगा, चाहे जहाँ कहीं भी अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। जीबी नगर थाना क्षेत्र के साकरा गांव है, किसी से पूछिएगा संस्कार प्रोडक्ट, वो बताएंगे। आइए यहाँ के जो मैनेजर है उनसे हम बात करेंगे। मैनेजर जी, पूरा प्रोसेस ये बनता है कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पूरा प्रोसेस जो है, ये मशीन है बनाने वाला, इसमें जो है चावल और मक्का का बुरादा आता है, खुद आप बनाते हैं कि खरीद कर लाते हैं? खरीद कर लाते हैं, हाजीपुर से खरीद कर लाते हैं और वहीं से यहाँ तैयार होता है। अब मसाला मसाला वगैरह जो कुछ भी है सब मार्केट से लाते हैं और उसमें मिलाकर यहाँ तैयार करते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, शुद्ध मसाला है और उसे तैयार करके और फिर जो है सो भूंज करके। मशीन का क्या काम है? इस मशीन का, इस मशीन का है जो इसमें डाई लगता है और इसमें से निकलता है क्वालिटी अलग अलग डिजाइन का, उसके बाद उसको फिर दूसरे मशीन उस मशीन में जाता है। हाँ, तो उसमें मशीन जो है फिर भूंज कर उसमें जाता है, उसमें मसाला पड़ता है, उसमें से फिर पैक करके उसके बाद इसमें देते हैं, तो इसमें पॉकेट तैयार होता है। यहाँ पॉकेट तैयार होता है और पैकेट तैयार करके बोरा में पैक करते हैं और फिर जो है उसको सप्लाई करते हैं। अच्छा, क्या एड्रेस है और कोई अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा एग्जैक्ट एड्रेस बता दें? इसका एड्रेस है यहाँ से सीधे जो है 3 किलोमीटर तरवारा है।